भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से झारखंड राज्य कमेटी की बैठक के बाद पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सचिव ने बताया कि वर्तमान समय में झारखंड में जो भ्रष्टाचार है वह रघुवर सरकार के समय की तरह ही है। जिस तरह से पूजा सिंघल के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वीडियो वायरल हुआ, इस आलोक में हमारी पार्टी झारखंड के मुख्यमंत्री से वार्ता भी की और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खरा उतरने का राय भी दिया। वर्तमान समय में झारखंड प्रदेश में हाथियों का आतंक काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसे लेकर आगामी समय में पार्टी की ओर से वन विभाग के आला अधिकारियों से इसके रोकथाम के प्रति बात की जाएगी। प्रेस को संबोधित करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड वृंदा करात के ने वर्तमान केंद्र सरकार के कई मुद्दों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि संसद चलाने का काम सरकार के पास होती है, पर मोदी सरकार संसद से चलने को नया रिकॉर्ड कायम करके उसे रोकने का काम कर रही है। धोरी नीति एवं झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर केंद्र सरकार की कोई भी आलोचना करे, पर मौजूदा केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की विपक्षी पार्टियों को राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। दिनों में जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ अपने आप को खड़ा किया है, क्या माकपा पर से वो राशन भर सके ना? कभी विधानसभा में रामेश्वर राव जी जो आपूर्ति मंत्री, उन्होंने घोषणा किया कि हम छत्तीसगढ़ के एजेंसी से बात किए हैं, क्योंकि FCI ने बाधित कर रहा है। दूसरी बात है कि राज्य सरकार भी जो है जिस तरीके से जो यहाँ के मुद्दे हैं उससे निपट, बड़ा मुद्दा अभी राशन का है। पिछले नवंबर माह से ये धर्म को इस्तेमाल करके आदिवासियों के बीच एक दरार, एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करके साथ साथ वहां जितने भी आदिवासियों के अधिकार है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, पेसा का, पांचवा शेड्यूल का, उसमें जो वो उल्लंघन कर रहे हैं उनकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी छपाने के लिए, वो तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासियों की यूनिटी को तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये पूरे तौर पर संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में आदिवासियों की पहचान धर्म के साथ कतई नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन एक मुद्दा बनाकर आदिवासियों के बीच इस प्रकार की मंच तैयार करके वो नफरत